मेरे प्यारे बहन भाई और मित्रों, कैसे हो आप? आज हम बात करने वाले हैं सेट्रो 50 mg टैबलेट के बारे में। इस टैबलेट के क्या फायदे, क्या नुकसान है, इसमें पूरी जानकारी जानने वाले हो। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसका प्रयोग मानसिक रोगी डिप्रेशन को ठीक करने के लिए किया जाता है और इसी के साथ साथ दोस्तों इसका प्रयोग सर्वप्रथमी रोगी पेशेंट में भी किया जाता है, जिसे हम हिंदी में अवसाद कहते हैं। इस समय जो व्यक्ति की मानसिक स्थिति होती है वो थोड़ी बिगड़ जाती है, वो अपने आत्मसम्मान को कम महसूस करता है तथा साथ ही जो संकट कल होते हैं उनमें रुचि नहीं लेता। बिना किसी स्पष्ट कारण के पूरे शरीर में दर्द रहता है, जो डिप्रेशन के 50% मरीज है उनको सुसाइड थॉट भी आते रहते हैं इन कंडीशन में। तो इस समस्या को ठीक करने के लिए आपका डॉक्टर इन स्थिति में आपको इस प्रोडक्ट का यूज करवाने की सलाह दे सकता है। और साथ ही डिप्रेशन मरीज को मैनिक डिप्रेशन को ठीक करने के लिए भी डॉक्टर आपको इस प्रोडक्ट का यूज करवाने की सलाह दे सकता है। दोस्तों, उनकी केयर थोड़ी एक्स्ट्रा करनी पड़ती है क्योंकि जो सुसाइड थॉट होते हैं वह बढ़ सकते हैं, तो आत्महत्या की तरफ भी बढ़ सकते हैं। तो जब यह प्रोडक्ट दे तो स्पेशल से उन मरीज का ध्यान रखे। और इसी के साथ साथ दोस्तों, OCD ऑब्स्ट्रक्टिव कंप्रेसिव डिसऑर्डर, ये जिसे हम समांतर भाषा में बोलने की बीमारी भी कह सकते हैं, छोटी छोटी बातों को भूल जाता है। इस कंडीशन में होता क्या है, जैसे कि कोई हमने गेट लॉक करा उसको बार बार बंद करता है, गैस सिलेंडर की नोब को बार बार चेक करता है, लाइट को बार बार खोलता है बंद करता है, इस तरीके की इसमें कुछ समस्या होती है। इन दिक्कतों में भी डॉक्टर आपको इसको लेने की सलाह दे सकता है। और इसी के साथ साथ दोस्तों, एंजाइटी की समस्या में भी डॉक्टर आपको इसको देने की सलाह दे सकता है। इसमें होता क्या है, चिंता होती है, भविष्य को लेकर बहुत चिंता होती है और अपने आप में बहुत लक्षण चेंज पाता है, जैसे कि चिड़चिड़ापन, पसीना, गुस्सा आना, धड़कन बढ़ना, ये कुछ एंजाइटी में होते हैं। इन दिक्कतों को ठीक करने के लिए भी आपका डॉक्टर इसको लेने की सलाह दे सकता है। और एंजाइटी का एक और पार्ट है जिसे हम पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं। इसमें क्या होता है, गुस्सा आता है, 30 से 20 मिनट में ज्यादा गुस्सा आता है। और इसी के साथ साथ दोस्तों, आप इसको सोशल एंजाइटी, सामाजिक सर्कस होते हैं, घबराहट, किसी के सामने जाने से आप घबराते हो, डर लगता है, इस दिक्कत में भी आपका डॉक्टर आपको इसको देने की सलाह दे सकता है। दोस्तों, ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम में भी आपको डॉक्टर इसको देने की सलाह दे सकता है। इसमें होता क्या है, मस्तिष्क पे गहरा प्रभाव पड़ता है, एक्सीडेंट होना, होते होते बच जाना, शारीरिक या समझो सोशल किसी का होना, उसमें भी डॉक्टर आपको इसको देने की सलाह दे सकता है। तो दोस्तों, आप इन दिक्कतों में अपने डॉक्टर की सलाह से इस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हो। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, आपको दो बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है। नंबर 1, अगर आप इस प्रोडक्ट का यूज कर चुके हैं और आपको कोई भी परेशानी या किसी भी तरीके का अन्य साइड इफेक्ट दिखा है तो घबराए नहीं, तुरंत इस प्रोडक्ट को लेना बंद कर दे और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। नंबर 2, किसी भी प्रकार की अन्य मेडिसिन या किसी भी अन्य प्रकार का कोई भी प्रोडक्ट अपने डॉक्टर के सलाह के नहीं लानी चाहिए, क्योंकि मरीज की, पेशेंट की उम्र अकॉर्डिंग अंदर बॉडी में क्या चल रहा है, क्योंकि दोस्तों हर आदमी के अंदर अलग अलग हार्मोन्स होते हैं, उनके हार्मोन्स के ऊपर, उनकी उम्र के ऊपर, उनके वजन के ऊपर उनकी जांच करवाने के बाद डॉक्टर दवाइयां देता है। इसलिए दोस्तों, पहले अपने डॉक्टर से परामर्श यानी कि संपर्क करें, क्योंकि दोस्तों जान है तो जहां है, वरना सब मिट्टी समान है। उम्मीद करता हूं दोस्तों अब आप समझ। तो दोस्तों, इतनी सेट्रो 50 mg की इंफॉर्मेशन फुल जानकारी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।